हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो बैकअप साइट्स पे बनाया गया है। बैकअप साइट्स जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कॉल साइट, वॉर्म साइट एंड हॉट साइट पे बनते हैं। आप लोगों ने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अच्छा, बैकअप साइट्स की अगर हम बात करें तो बैकअप से आपको हल्का फुल्का आइडिया लग रहा होगा कि बैकअप जो है ये डेटा को रिकवर करने, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ में लिया जा रहा होगा। मतलब आपने अपने डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर किया हुआ होगा। अच्छा, बैकअप साइट्स की अगर हम बात करें तो बैकअप साइट्स होती क्या है कि ये जब भी आपका डेटा किसी डिजास्टर की वजह से डेटा लॉस हो जाए तो उसके रिकवरी के लिए ये आपका काम करेगी। मतलब आपका जो डेटा था, मान लीजिए किसी डिजास्टर की वजह से लॉस हो गया, कोई डेटा सेंटर है, उस डेटा सेंटर पे मान लीजिए फायर की वजह से या फिर कि फ्लड वगैरह आया उस एरिया में, या फिर ये हो सकता है कि कोई नेचुरल और प्रॉब्लम रही हो, या शॉर्ट सर्किट की वजह से उनके डेटा सेंटर में आग वगैरह लग गई हो, तो वो डेटा जो उनका लॉस हुआ, पूरा का पूरा जो डेटा सेंटर जिसने काम करना बंद कर दिया, या फिर ये मान के चलें कि जो प्रोसेसर्स थे उन प्रोसेसर्स ने काम करना बंद कर दिया, तो उस ड्यूरेशन में, उस यानी कि वो जो आपका पीरियड होगा, उस पीरियड में आपका जो डेटा सेंटर होगा वो तो काम करना बंद कर देगा। तो उस पीरियड के लिए कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको एक रिकवरी सर्विस प्रोवाइड करा दे, जिससे आपका जो डेटा था वो डेटा बच जाए, जो आपने डेटा का कहीं पे बैकअप लिया होगा वो बैकअप आपको वापस से मिल जाए, आपका जो डेटा सेंटर था वो डेटा सेंटर वापस से वर्क करने लगे। तो यहाँ पे जो बैकअप साइट्स है ये डिजास्टर रिकवरी सर्विस आपको प्रोवाइड कराएगी। अच्छा, अगर हम बैकअप साइट की बात करें तो यहाँ पे रिकवरी होती है किसी लोकेशन पे, मतलब एक लोकेशन है जहाँ से आप रिकवरी कर सकते हैं अपने डेटा की। बैकअप साइट की अगर हम बात करें तो एक लोकेशन से आप अपने डेटा की रिकवरी कर सकते हैं। कौन से डेटा की? जो आपका डेटा सेंटर में था, या फिर ये मान के चले कि जिस डेटा को आपने सेव करके रखा हुआ था किसी लोकेशन पे। अच्छा, बैकअप साइट्स जो है ये हमेशा काम क्या करेगी कि ये जो डेटा सेंटर है हमेशा उसको रिक्रिएट करने का काम करती है। मतलब मान लीजिए कि आपका जो डेटा सेंटर था, डेटा सेंटर ने काम करना बंद कर दिया, तो अब बैकअप साइट का काम क्या है कि जो डेटा सेंटर आपका काम करना बंद किया है उसको ये वापस से वर्किंग पोजीशन में लेके आएगा। अच्छा, टाइप की अगर हम बात करें कि टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, तो बेसिकली इसके तीन टाइप है, कॉल टाइप, वॉर्म टाइम, वॉर्म साइट एंड हॉट साइट। कॉल्ड, वॉर्म और हॉट, तीन तरह के इसके टाइप हैं। अच्छा, बेसिकली ये तीन ही यूज में लिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको तीन ही मिलेंगे हर कहीं देखने पर। एक इसका टाइप और है जिसको अल्टरनेट साइट कहा जाता है। ये वाला जो टाइप है ये बेसिकली, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं आगे। कोल्ड साइट की अगर हम बात करें, या हॉट साइट की, या वार्म साइट की अगर हम बात करें, तो ये तीनों के तीनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इनको समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है। पहले हम देखें कोल्ड साइट। कोल्ड साइट की अगर हम बात करें तो कोल्ड साइट नाम से ही समझने में आ रहा होगा, कोल्ड मतलब कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो वर्किंग में नहीं हो। तो इसको अगर हम समझें तो कॉल साइट क्या होगा कि यहाँ पे कोई सी भी बैकअप की कॉपी आपकी इंक्लूड नहीं होगी जिसमें कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन हो। मतलब क्या कि ओरिजिनल लोकेशन, मतलब डेटा सेंटर की कोई सी भी कॉपी इसके अंदर नहीं होगी। ये खाली सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस है जो आपने डेटाबेस, मतलब आपने डेटा को स्टोर करने के लिए, बैकअप लेने के लिए बना के रख लिया। मतलब क्या आपने किया क्या कि आपको लगा कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, आप लोगों ने एक स्पेस लिया, उस स्पेस को सेपरेटली बना दिया कि हम यहाँ पे कोई डेटा सेंटर का रिकवरी पॉइंट डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई हार्डवेयर सेटअप नहीं होता। मतलब अगर इस मैं बोलता हूँ कि ये डेटा सेंटर के लिए एक स्पेस ले लिया गया, तो डेटा सेंटर की अगर बात होगी तो यहाँ पे हार्डवेयर होगा। हार्डवेयर में क्या क्या? प्रोसेसर यहाँ पे होगा, मेमोरी यहाँ पे होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे हार्डवेयर का सेटअप नहीं होता, मतलब प्रोसेसर और मेमोरी हो सकते हैं लेकिन ये कनेक्टेड फॉर्म में नहीं होंगे। ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये हमेशा नॉट कनेक्टेड रहेंगे, कनेक्टेड कभी भी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो सेम पॉइंट लिखा हुआ है जो भी हमने डिस्कस किया कि इक्विपमेंट अवेलेबल हो सकते हैं लेकिन ऑपरेशनल नहीं होंगे। ये चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ पे इक्विपमेंट हो सकते हैं लेकिन वो ऑपरेशनल मोड पे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ये लीस्ट एक्सपेंसिव साइट की कैटेगरी में आता है। मतलब क्या कि ऐसी साइट जो
बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ज़्यादा पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो भी इसके अरेंजमेंट हैं, जो भी फीचर्स ये प्रोवाइड कराएगा, उसके लिए आपको काफ़ी कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ये नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें देखें कि यहाँ पे हमेशा डिले होता है कोल्ड बैकअप साइट का फुल ऑपरेशन के लिए। अच्छा, इस चीज़ को समझिएगा कि हम लोगों ने देखा क्या कि कोल्ड बैकअप जो साइट है आपकी, वो डेटा को, एक्चुअल डेटा को स्टोर नहीं कर रही है। मतलब हमने सिर्फ किया इतना सा है कि एक लोकेशन हमने डिसाइड कर ली, वहाँ पे जो जो प्री रिक्वायरमेंट थी आपकी वो फुलफ़िल करके रख ली गई, प्रोसेसर आपको चाहिए थे ला के रख लिए गए। यहाँ पे मान लीजिए इसको एयर कंडीशन करना था पूरा का पूरा, वो भी आपने कर दिया, मगर इनको कनेक्टेड फॉर्म में नहीं रखा। तो अगर आपको इसको वर्किंग मोड में लेके आना, एक नॉर्मल सी बात है कि आपको डिले तो लगना ही लगना है। यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है आपका वॉर्म साइट। वॉर्म साइट नाम से जैसे आपको लग रहा होगा कि हो सकता है ये रनिंग वाली साइट हो, तो इसके बारे में एक चीज़ देख लीजिएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये हॉट एंड कोल्ड के बीच का टाइप है। एक वॉर्म साइट जो है आपकी, ये हॉट और कोल्ड के बीच का टाइप है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो ये हार्डवेयर की कनेक्टिविटी भी होगी, हार्डवेयर भी होंगे और हार्डवेयर की कनेक्टिविटी भी रहेगी। मतलब जैसा पहले वाली में था जो आपकी कोल्ड साइट में, यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं। अगर आप लोगों ने स्पेस बना दिया है और हार्डवेयर आपके पास में है, तो इन हार्डवेयर्स को कनेक्टेड भी करना होगा, तब जाके आपकी वॉर्म साइट बनेगी। अच्छा, वॉर्म साइट जो है ये हमेशा बैकअप लेती रहती है, जो आपका ओरिजिनल डेटा सेंटर होगा वहाँ से ये बैकअप लेती रहेगी। हो सकता है कि ये 7 डेज में ले, 15 डेज में ले, 30 डेज में ले। मतलब क्या है कि यहाँ का जो डेटा होगा, अभी मान लीजिए अभी अपने लिए करंट डेटा जो होगा, अगर अपन 7 डेज वाला डेटा स्टोर करेंगे तो हमारे लिए ओल्ड डेटा है, ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे हमेशा ओल्ड इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा कि रिकवरी जो है ये डिलेड होगी, डिलेड नॉर्मल सी बात है। अगर मैं आज की डेट में इस डेटा सेंटर को चेक करूँ, तो यहाँ पे जो डेटा होगा वो मिनिमम 7 डेज पुराना तो है ही है। तो अगर इसको मुझे वर्किंग में लेके आना है कि ये एक्चुअल डेटा सेंटर की तरह काम करे, तो ये पहले 7 डेज का जो डेटा होगा उस डेटा को एक्सेस करना होगा। तो इसको वर्किंग में लाने के लिए, इस रिकवरी को परफॉर्म करने के लिए आपको डिले तो होगा ही होगा हमेशा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट है आपका हॉट साइट। हॉट नाम से ही लग रहा होगा, हॉट वो वाला जो रनिंग में ही रहे हमेशा। तो ये वो वाला टाइप है आपका जो हमेशा बैकअप लेता रहता है, जितने भी डेटा होगा उसका हमेशा बैकअप लेता रहेगा। इसको हम मान के चले कि ये डेटा सेंटर 1 है, ये आपका डेटा सेंटर 2 है, तो यहाँ का डेटा हमेशा डेटा सेंटर 2 पे जाता रहेगा। मतलब जो भी डेटा यहाँ पे करंट में होगा वो डेटा आपका DC2 डेटा सेंटर 2 पे भी रहेगा। इसको वर्चुअल मिरर इमेज भी कहा जा सकता है, हम लोग बोल सकते हैं कि डेटा सेंटर 1 डेटा सेंटर 2 ये दोनों आपस में एक दूसरे की वर्चुअल इमेज है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन होता है, हमेशा दो साइट के बीच में, DC1 और DC2 अगर इनको दो साइट मान के चले तो यहाँ पे रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन होगा। अच्छा, रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ सकती है? जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें तो हो सकता है कि बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो हैं जिनमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन की, या फिर ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई वेबसाइट है वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की कोई वेबसाइट है तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। तो हॉट साइट्स जो होंगी ये बैकअप अपना कहाँ कहाँ पे, ये रिकवरी का जो आपका फीचर है ये कहाँ कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन यूज में ले सकती है, बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ई कॉमर्स या फिर गवर्नमेंट सेक्टर वेबसाइट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ये हमेशा रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करती रहती है। हॉट साइट्स जो है ये जितनी भी पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो रियल टाइम डेटा को एक्सेस करती है, उन्हीं के लिए यूज में ली जाएगी, जैसे ये एग्जांपल हम लोगों ने लिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो होट जो बैकअप आपकी साइट है ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नॉर्मल सी बात है कि जब ये बैकअप हमेशा कंटिन्यू रनिंग प्रोसेस में रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स भी चाहिए होंगे, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ आपको डेटा के लिए जो स्टोरेज डिवाइसेज होंगी वो भी चाहिए होंगी डेटा सेंटर बनाने के लिए। तो ये वाली जो टाइप है आपकी डिजास्टर रिकवरी की, ये सबसे ज़्यादा टिपिकल होगी, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। नेक्स्ट और लास्ट की अगर हम बात करें अल्टरनेट साइट्स की, तो अल्टरनेट साइट्स वो वाली साइट है, एग्जाम्पल अगर लें कि एक डेटा सेंटर है आपका, इसका डेटा आपने कहीं पे स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई, इस डेटा सेंटर ने काम करना बंद कर दिया, तो ये जो दूसरा वाला डेटा सेंटर होगा, इसको DC1 माने, इसको DC2 माने, तो ये डेटा सेंटर 2 जो है ये तब तक वर्क करता रहेगा इस डेटा सेंटर 1 के लिए जब तक ये खुद रनिंग प्रोसेस में नहीं आ जाता। इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि दो डेटा सेंटर, एक ये ओरिजिनल डेटा सेंटर है, ये इसके लिए रिकवरी बैकअप साइट है,
तो ये जब तक रिकवरी बैकअप साइट तब तक इसके लिए काम करती रहेगी जब तक कि ये डेटा सेंटर पूरी तरह से वर्किंग में ना आ जाए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अंदर अगर नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट पॉइंट भी आपका यही बोलता है कि यहाँ पे जो इक्विपमेंट है यहाँ यहाँ वाले, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको पड़ी तो ये डेटा सेंटर टू वाला जो इक्विपमेंट्स है उन इक्विपमेंट्स को कुछ पीरियड के लिए डेटा सेंटर वन के लिए यूज में लेने के लिए रख दिया जाएगा। मतलब कि क्या कि ये कब तक काम करेंगे इसके लिए, जब तक डेटा सेंटर वन आपका नॉर्मली वर्क करना स्टार्ट ना कर दे, ये चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कौन कराता है, जो आपकी डेटा सेंटर वाली जो सर्विसेज है, डेटा सेंटर रिकवरी वाली जो सर्विसेज है, ये प्रोवाइड कौन कराता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहला नंबर जो एग्जांपल हम ले सकते हैं तो कि हो सकता है कि कोई रिकवरी सर्विस प्रोवाइडर्स हो, रिकवरी सर्विस प्रोवाइडर्स, डिजास्टर रिकवरी सर्विस प्रोवाइडर्स इनको बोला जा सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका खुद का एक डेटा सेंटर बैकअप करने के लिए एक अपने पास में खुद दूसरा सेंटर हो। तीसरा जो एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लीजिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन वन ऑर्गेनाइजेशन टू, ये दोनों आपस में एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आपकी साइट्स का एक पार्ट यहाँ पे ये कंप्लीट कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन वन डिसाइड कर लेती है कि मैं आपके लिए एक बैकअप साइट का काम करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन टू भी बोल देती है ठीक है आप कर रहे हैं तो हम आपके लिए जो बैकअप साइट का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे बस ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक म्यूचुअल बॉन्डिंग होनी चाहिए ताकि अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिजास्टर आ जाए तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसकी हेल्प करे, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा सेंटर है वहाँ से वो डेटा को रिकवर कर ले। ये पूरा का पूरा जो था, ये पूरा वीडियो जो बनाया गया था या बैकअप साइट्स पे बनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हमको बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इसी तरह से और वीडियोज़ भी चाहते हैं तो हमको कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, कमेंट कीजिएगा जो वीडियोज़ आपको चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है अभी तक तो, क्योंकि सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं वो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे है आपके पास में ऑप्शन, आप